तो दोस्तों अब आपको पीएफ ट्रांसफर करने के लिए मैनुअल रिक्वेस्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से दोस्तों नए रूल्स एप्लीकेबल हो गए हैं इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूं तो। क्या दोस्तों ये नए रूल है जिसमें आपको जो है मैनुअल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग मैनुअली रिक्वेस्ट डालते थे कि उनका जो पुराना पीएफ का बैलेंस है वो आपके अगले वाले एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर हो जाए जब उनकी जॉब चेंज होती थी। दोस्तों इसलिए सरकार ने एक नए रूल निकाल दिए जो कि 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है। तो क्या दोस्तों ये नया रूल, इसके बारे में डिटेल में वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। जी दोस्तों, ये काफी सारे लोगों का सवाल था कि सर हम कोई जॉब चेंज करते हैं तो वहां पे हमें पुरानी जॉब के अंदर भी क्या होता था कि आपको रिक्वेस्ट डालनी होती थी कि आपका जो पुराना पीएफ का बैलेंस है वो नए इंप्लॉयर के पास ट्रांसफर हो जाए, तो इसके लिए ऑनलाइन जो हमारा ईपीएफओ की वेबसाइट है वहां पे जाके रिक्वेस्ट डालनी होती थी। तो गाइज अब इस केस के अंदर सरकार ने नया रूल एप्लीकेबल कर दिया है 1 अप्रैल 2024 से कि आपका ऑटोमेटिक जो है पीएफ का पुराना बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा आपके नए इंप्लॉयर के पास, यानी कि अब आपको रिक्वेस्ट डालने की मैनुअली कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस ये एक गुड इनिशिएटिव लिया है सरकार ने सारे सैलरीड क्लास लोगों के लिए जिनके ऊपर पीएफ एप्लीकेबल है, जिनका प्रोविडेंट फंड कटता है, और जो लोग सैलरी क्लास के अंदर है जिनका पीएफ कट रहा है। सो गाइस अगर इन केस आप कोई भी जॉब चेंज कर रहे हैं या रिसेंटली कोई जॉब चेंज करी है आपने, तो उस केस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी पुराना पीएफ का बैलेंस है अब वो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये आपका इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2024 से। लेकिन आपको किन बातों का इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो यूएएन दैट इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो आपका लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल के साथ, और आपके सारे जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लायंस आपकी पूरी होनी चाहिए दोस्तों। उसी के बाद आपका जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा आपके पुराने पीएफ बैलेंस का किसमें, नए इंप्लॉयर के पास। दैट मींस जो मैनुअल ट्रांसफर हमारा होता था पहले, रिक्वेस्ट लोग डालते थे और उस केस में दोस्तों काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती थी और वो प्रोसेस में बहुत डिले होता भी था। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही एक तरह से इजी ट्रांसफर कर दिया है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको ये कैसे चेक करना है कि आपका यूएन दैट इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है, काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका यूएन नंबर क्या है। तो गाइस इसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं ईपीएफओ की वेबसाइट पे, तो मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं अपना यूएन नंबर। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो गाइस गूगल पे आपको टाइप करना है नो योर यूएएन, ये गूगल पे आपको लिखना है। गाइस सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आपके पास इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड की, दैट इज epfindia.gov.un employees provident fund organization, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइस ये आपको यहाँ पे अलर्ट दे रहा है मैसेज की बी आर विजिलेंट अगेंस्ट योर क्रेडेंशियल्स, मतलब अपना जो आपका यूएन का पासवर्ड वगैरह है, आईडी पासवर्ड है, उसका ध्यान रखें क्योंकि उससे काफी सारे साइबर फ्रॉड होते आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, किसी का शेयर ना करें। तो गाइस आपको कहाँ जाना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा आपको नो योर यूएन नंबर, दैट इज अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कैसे जाने। जैसे मैंने बताया दोस्तों वीडियो में कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके यूएन के साथ, तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। तो मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चे कोड मेंशन करना है, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना है ओटीपी। तो गाइस ये आपके पास यहाँ पे रजिस्टर्ड जो नंबर आपका लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। तो गाइस ओटीपी हमारा जा चुका है, यहाँ पे हमें ओटीपी मेंशन करना है, तो हमने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद हमें फिर दोबारा से कैप्चे कोड मेंशन करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी करना है। सो गाइस जैसे ही वैलिडेट ओटीपी करेंगे तो आपका यहाँ पे ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है अपना नाम, गाइस ये आपका बिल्कुल डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालनी है। सो हमने यहाँ पे अपनी अभी डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लिए। अब आपको यहाँ पे दोस्तों अपना ऑप्शन दे रहा है कि आपको सेलेक्ट एनीवन करना है, अपना आधार से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने पैन से भी, अपने मेंबर आईडी से। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल पैन से सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अब आपको डालना है अपना पैन नंबर, अगर मैंने पैन नंबर भी डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर दोबारा से कैप्चे कोड यहाँ पे मेंशन करना है और शो
माय यूएन पे क्लिक करना है। तो अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पे मुझे दिखा देगा मेरा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है। गाइस यहां पे दिखा दिया मेरा यूएन नंबर क्या है। अब गाइस इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, जब आपको अपना यूएन नंबर पता लग गया तो आप लॉग इन कर सकते हो अपने ईपीएफओ अकाउंट के अंदर। आपको पासबुक देखनी है पीएफ की, अपना बैलेंस देखना है, इंटरेस्ट कितना आया है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों देख सकते हो। और ऐसे ही आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो कि आपका पुराना पीएफ का बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया है। लेकिन इसके लिए आपका यूएन नंबर आपको पता होना चाहिए, लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल के साथ, और सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको समझ आई होगी कि अब आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ का पुराने एम्प्लॉयर से। जब भी आपको जॉब छोड़ेगी, जब भी आपको जॉब छोड़ते हो, नई जॉब पे जाते हो, स्विच करते हो आप कोई भी नौकरी, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच कर रिप्लाई करेगी। और दोस्तों प्लीज वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे।